नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक आकाश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इन दिनों जियो फोन 3 यानी जियो फ्लेक्स 1 बड़ी चर्चा में चल रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जियो कंपनी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है दोस्तों, जिसका नाम होगा जियो फोन 3 यानी जियो फ्लेक्स फोन। ये दोस्तों फोन आपको मात्र 1500 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र 1500 रुपये में आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जियो फ्लेक्स फोन इंडिया में कब लॉन्च होगा और ये आपको कब और कैसे और कहां पर मिलेगा और इसके आने के क्या कंडीशन है, क्या रीजन है, मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में दोस्तों देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसकी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जियो फोन 3 यानी जियो फ्लेक्स फोन आपको 1500 रुपये में मिल पाएगा। दोस्तों यहाँ पर कई लोग वीडियो बनाकर बोल रहे थे कि ये सब झूठ है, ये सब फेक है कि 1500 रुपये प्राइस में कोई फोन मिल ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ये फोन आपको मात्र 1500 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगा। दोस्तों ये 100% कन्फर्म हो चुका है। दोस्तों जियो कंपनी के प्रेसिडेंट सुनील दत्ता ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि जियो फ्लेक्स फोन आपको मात्र 1500 रुपये में प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस फोन का कीमत 1500 रुपये रखे जाने वाला नहीं था। दोस्तों इसके कुछ रीजन और कंडीशन थे। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लेक्स कंपनी। दोस्तों एक कंपनी क्या करती है, ये कंपनी दोस्तों जियो का स्मार्टफोन बनाती है। तो दोस्तों जियो कंपनी ने फ्लेक्स कंपनी को 10 करोड़ मोबाइल बनाने के लिए ऑर्डर दिया है। दोस्तों फ्लेक्स कंपनी इस ऑर्डर को एक्सेप्ट भी कर लिया है और ये बनाने के लिए तैयार भी हो गया है। लेकिन दोस्तों फोन के प्राइस ज्यादा कम होने के कारण ये कंपनी बनाने के लिए इनकार कर रहे हैं। फ्लेक्स कंपनी का मांग है अगर इसको इंडिया जीएसटी में ज्यादा छूट प्रदान करेगी तभी इस फोन को ये बनाएगा, अन्यथा इस फोन को नहीं बनाएगा। तो दोस्तों जियो कंपनी ने फ्लेक्स कंपनी के बातों को मानते हुए इंडिया द्वारा ज्यादा छूट प्रदान करने के लिए तैयार हो गई है। दोस्तों अब ये फोन मात्र आपको 1500 रुपये की प्राइस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों ये चीज कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों ये जो फोन है ये मार्च 2019 में आ जाएगा। दोस्तों मार्च 2019 से आप इस फोन को बुक कर सकते हैं। तो इस फोन के आने का मेन कारण यही है। दोस्तों यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों फीचर फोन दोस्तों यूज करते हैं। दोस्तों 500 मिलियन ऐसे लोग हैं जो दोस्तों बस फीचर फोन यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते यूज। दोस्तों उन्हीं लोगों को टारगेट करते हुए जियो कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो लोग फीचर फोन यूज करते हैं वो लोग भी दोस्तों इस फोन की तरफ आकर्षित होंगे। इस फोन के आने का मेन दोस्तों यही उद्देश्य है, यही कारण है। और दोस्तों जियो फोन 3 में आपको कितना जीबी का रैम मिलेगा, कितना जीबी का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और कितने मेगापिक्सल की कैमरा मिलेगी और कितना इसका प्रोसेसर मिलेगा, चलिए मैं आप लोगों को ये अभी बता देता हूँ। इस फोन में आपको 1 GB तक रैम मिल जाएगा और 8 GB तक इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों आपको फ्रंट में 5 MP का कैमरा मिल जाएगा और दोस्तों रियर में आपको 8 MP का कैमरा मिल जाएगा। और दोस्तों आपको दोनों तरफ लाइटें भी प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको दोस्तों 2 SIM कार्ड लगाने के लिए स्लॉट मिल जाएगी। दोस्तों इस एक में आप जियो का सिम लगा सकते हैं और एक में दोस्तों अनदर कंपनी का भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको बहुत बढ़िया प्रोसेसर भी मिलने वाला है। तो दोस्तों अब आपको कंफर्म हो ही गया होगा कि ये फोन आपको मात्र 1500 रुपये की प्राइस में मिल जाएगा। दोस्तों इसे मार्च 2019 से आप इसे बाय कर सकते हैं, इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।